Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, what happened to the reptiles part 2. Students, in previous video we have already read about half of the chapter libel and summary. I hope you all have watched that part of the video. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने हमने देखा क्या था कि एक ओल्ड ग्रैंडफादर हैं जो कि पंपू बग्गी की स्टोरी बता रहे हैं. ठीक है, उस बच्चे को बता रहे हैं जो अपने विलेज से भाग आया है क्योंकि उनके विलेज पे जो है वो वायलेंस हो गया था, लड़ाई हो गई थी. ठीक है, हिंदू मुसलमान के बीच में, क्योंकि वहां पे जो टेम्पल्स थे और जो मॉस्क्यू थे उनको गिरा दिया गया था. तो अब उसके ग्रैंडफादर उस बच्चे को ये पंपू बग्गी की जो स्टोरी है उसके बारे में सुना रहे हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हरी अप ओपन योर बुक्स अपेक्ट विद द सन पेज नंबर दैट इज 36 means 36. Clear? Now, one day a strange thing happened. तो अब जो है वो ग्रैंडफादर बता रहे हैं एक दिन क्या हुआ, बहुत अजीब सी चीज हुई. It was a week before one of the monthly meetings. वो जो थी वो monthly meetings जो होती थी animals की उससे एक हफ्ता पहले हुई. मकर sent a letter to the tortoise asking them not to come टू द मीटिंग. मगर ने क्या करा, एक लेटर भेजा. किसको भेजा, उससे लेटर भेजा टोर्टोइस को कि तुम जो है मीटिंग में मत आना. अहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टोर्टोइस विद बैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री. अहिस्ते जो था वो बहुत बड़ा ओल्ड स्टार था इनका टॉर्टोइस का, और उसके बैक पे जो है येलो कलर की जो है पिक्चर्स बनी हुई थी उसके शेल पर, और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया लेटर को पढ़ करके. क्लियर? व्हाट डस दिस मीन, ही शाउटेड. उसने कहा इसका क्या मतलब है, हाउ डेयर दे, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई. बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, दे वर सो फ्यू द अदर सो मैनी. बट उन टॉर्टोइस में से किसी भी टॉर्टोइस की हिम्मत नहीं हुई उस लेटर के बाद कि वो मीटिंग को अटेंड करे. क्यों? क्योंकि जो टॉर्टोइस थे वो बहुत कम थे और वो लोग जो थे दूसरे लोग वो बहुत ही ज्यादा थे. बिफोर द मीटिंग द जायंट मकर पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड. मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ, जो जॉइंट जो मकर था वो क्या किया करता था, वो अपने टीथ को पॉलिश किया करता था. ठीक है, और किससे पॉलिश किया करता था, रेड फ्लावर से जो है वो टीथ को पॉलिश किया करता था. क्लियर? और वो रेड फ्लावर्स जो थे वो कहाँ थे, वो ट्री के वहां पर रेड फ्लावर्स का पेड़ था. ठीक है, रिवर के वहां ट्री था और वहां पर जो है रेड फ्लावर्स होते थे, उससे जो है वो अपने दांतों को तब तक पूरा पॉलिश किया करता था जब तक वो चमक नहीं जाते. एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और हर कोई जो है मीटिंग प्लेस पर उसका इंतजार कर रहा था. ब्रदर्स एंड सिस्टर ही बिगेन, अब उसने स्टार्ट करी, भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरास स्टॉप्ड टॉकिंग. जितने भी रेप्टाइल्स थे और जो ब्यूटीफुल किंग था कोबरा, उसने भी जो है बातें करना बंद कर दिया. मकर कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकर ने जो है अपनी स्पीच को कंटिन्यू किया. आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइस, वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि हमें जो है टॉर्टोइस की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है. आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उन्हें बोल दिया है कि तुम्हें उन्हें जो है आज मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है. ब्रदर्स एंड सिस्टर कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस, भाइयों और बहनों क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें जो है टॉर्टोइस वो पसंद क्यों नहीं है. क्लियर? The reptiles looked this way and that. और जो reptiles है वो जो है इधर उधर देखने लगा. They felt very uncomfortable. अब उन्हें बहुत ही ज्यादा uncomfortable feel हो रहा था. The snakes hissed anxiously. The lizards wriggled their tails. The crocodiles opened their jaws even wider. जो snakes थे वो जो है आवाज करने लगे, और जो lizard थी वो भी अपने tails को ऐसे ऐसे हिलाने लगी, और जो crocodiles से उन्होंने भी अपने जो दांत थे उनको और बड़ा, उनका जो जो था जबड़ा था उनको और ज्यादा ओपन कर लिया, खोल दिया. बट said one little lizard, अब एक little lizard जो है वो बोलने लगी, but no buts, shouted मकार, there was silence. तो
एकदम से मकार बोला, कोई बटबट नहीं, सब चुप हो जाओ। आई थिंक सैट अ बेबी क्रोकोडाइल। फिर एक बेबी क्रोकोडाइल बोलने लगा कि मैं सोचता हूँ। नो आई थिंक, स्क्रीम मकार सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन्ड डाउन। उसने कहा कोई किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो इतने जोर से चिल्लाया कि जो वहां पर ट्री के ऊपर जो फ्रूट थे वो भी नीचे गिर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक। उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। मकार क्लियर हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। मकार ने क्या करे, अपने टीथ को जो है अपना गला साफ करा और अपने टीथ और ज्यादा दिखाने लगा। वेल ही सेड आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें टॉर्टोइस क्यों पसंद नहीं है। दे आर सो स्लो सो स्टूपिड। वो बहुत कितने धीरे चलते हैं, कितने बेवकूफ हैं वो। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स। इवन वो तो अपने घर को भी अपने पीठ पर उठा करके चलते हैं। Whoever heard of such a stupid thing? किसने इस तरीके की stupid चीजों को कभी सुना है? Now you lizard, you live in trees. Would you ever carry a tree on your back? Would you? तुम lizard, तुम भी तो creeper रहती हो क्या? तुम हमेशा tree को अपनी back पर उठा करके चलती हो क्या? तुम ऐसा करती हो? Small frightened voices answered together. No, we wouldn't. But फिर सब बिचारी गरी गरी आवाजों में बोलने लगी कि नहीं, बट वो ऐसा बट बोलने लगी। नो बट्स नाउ लिसन, कहता कोई बट बट नहीं, अब सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ बम्बू बट्टी। कहता मैंने टॉर्टोइस को कह दिया कि तुम्हें जो है इस बम्बू बट्टी को छोड़ना होगा। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग। जब वो जाएंगे तो हमारे पास सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, हमारे पास बहुत ज्यादा खाना होगा, ठीक है, वाटर भी बहुत ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा हमारे पास रहने के लिए स्पेस भी होगा। आई वॉन्ट देम आउट बाय टुमारो। मैं तो चाहता था कि वो कल के कल ही निकल जाए, बट बिकॉज दे आर सच स्लो कॉचेस आई हैव गिवन देम वन वीक। बट वो तो इतने धीरे चलते हैं तो इसलिए मैंने उन्हें जो है एक हफ्ता दे दिया है। बट बाय नेक्स्ट ट्यूजडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टोइस लेफ्ट इन दिस जंगल। अगला जो ट्यूजडे आएगा उसमें जो है हमारे इस जंगल में एक भी टॉर्टोइस नहीं रहेगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूजडे दे वर ऑल गोन। और आने वाले ट्यूजडे तक वो सब के सब जो है, जो ट्यूजडे आया तब तक सारे टॉर्टोइस जो जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड। सबसे पहले तो एनिमल्स बहुत ज्यादा सैड हुए, उदास हुए। बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकार हैड सैड वाज ट्रू। बट बाद में एनिमल्स को रियलाइज हुआ कि मकार ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। देयर वाज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। तब जो है बहुत ज्यादा खाना भी हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी भी हो गया उनके लिए और बहुत ज्यादा स्पेस भी हो गया। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगैन टू फिल द फॉरेस्ट। बट अचानक ही क्या हुआ, जल्दी ही कुछ ही दिनों में एक बहुत गंदी सी स्मेल जो है पूरे फॉरेस्ट में फैल गई। एक वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड। और वो किसकी स्मेल थी, बिल्कुल सड़े हुए, गले हुए, ठीक है, सड़न की स्मेल थी वो, जैसे जो गले सड़े फ्रूट होते हैं उनकी स्मेल आ रही थी, ठीक है। रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, और जो गले सड़े एनिमल होते हैं रिवर में उनकी स्मेल आ रही थी। दिस वॉज व्हाट द टॉर्टोइस यूज्ड टू ईट। ये वो चीजें थी जिनको टॉर्टोइस खा लिया करते थे। एंड इवन मकार हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लोज। इवन अब तो मकार को भी अपने 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 बड़े बड़े पंजों के साथ अपने जो है नोज को भी दबा करके चलना पड़ता था। अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। एक महीना बीता, फिर दोबारा सेम चीज हुई। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स। मकार रोट देम वन ऑफ हिज लेटर। बट इस टाइम किसकी बारी थी, स्नेक्स की बारी थी। मकार ने जो है अब स्नेक्स को लेटर लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। कि अब जो है सांपों को फॉरेस्ट को छोड़ना होगा, वो बहुत तेज चलते हैं, उन्होंने एक ही दिन में जो है इस फॉरेस्ट को छोड़ करके जाना होगा। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम बट मकार वुड नॉट गिव हिम। अब नागा जो था वो कौन था, वो स्नेक्स का जो है हेड था। उसने बहुत, मतलब कहते हैं कि बहुत उससे प्रार्थना करी कि उन्हें और टाइम दे दिया जाए, बट मकार ने उन्हें कोई टाइम नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स द लिजर्ड एंड द क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स।
और जब मीटिंग के टाइम पर क्या करा, मीटिंग के टाइम पर जो है उसने दूसरों को भी चुपचाप चुप करा दिया, चाहे वो लेजर थे या फिर क्रोकोडाइल से, अपने किससे, अपनी बहुत जो लाउड वॉइस निकालता है उससे, ठीक है, और डराने वाली आवाज से। स्नेक्स आर स्लीमी ही सैड एंड दे मेक फनी नोइसेस। स्नेक्स जो होते हैं बड़े अजीब से होते हैं, ठीक है, बहुत चिपचिपे से होते हैं और बड़ी अजीब अजीब से आवाजें निकालते हैं। हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड, कौन चाहेगा कि इस तरीके के वियर्ड क्रिएचर्स हमारे आसपास रहें। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकार एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। फिर अब इस टाइम पे क्या हुआ, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी मकार के अगेंस्ट बोल सके, इसलिए स्नेक्स भी बेचारे फॉरेस्ट को छोड़ करके चले गए। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, रिमेनिंग चैप्टर वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप जो आज हमने इतना जो चैप्टर किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।